गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस मेरे पास आया हुआ स्मार्टफोन, तो बहुत सारे गाइस कमेंट भी आ रहे थे कि कोई जियो का स्मार्टफोन हो तो बताएं। तो गाइस फाइनली मेरे पास इस समय दो जियो के स्मार्टफोन आए हुए हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बहुत सारे स्मार्टफोन है जो आते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन है जिसका नाम बताऊँगा और डिटेल के से आपको जानकारी भी दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो माइक्रोमैक्स और जियो ने इसको मिल के बनाया हुआ है और ये आपको स्मार्टफोन बहुत ही सस्ते दाम में मिलने वाला है। तो इस समय मेरे पास ये दो फ़ोन आए हुए हैं, दोनों को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। अगर आप सस्ता स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे पास इस समय एक मोबाइल और भी है जो कि माइक्रोमैक्स का है। 3 GB आपको रैम मिलने वाली है, कैनवास एक्सप्रेस 4G इसका मॉडल नंबर है। इन सभी फ़ोनों को मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। इसमें आपको डुबल वोल्टी फ़ोन मिल जाता है। अगर आपको जियो सिम चलानी है तो आप 2 जियो सिम चला सकते हैं, क्योंकि डुबल वोल्टी फ़ोन आपको इसमें मिल जाता है। तो इसको मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ, इसकी बिल्कुल मत करना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको मॉडल नंबर बताता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ पे जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये जियो और माइक्रोमैक्स ने मिलके बनाया हुआ है फ़ोन। इसका नाम जो दिया हुआ है गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भारत 2+ इसका नाम है, विद 4G और वोल्टी इसमें आपको मिलने वाला है। 2 आप जियो सिम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो किस तरीके का ये फ़ोन है, चलो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और फिर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊँगा जिसमें आपको 3 GB रैम मिलने वाली है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस एक एक करके अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ आपको जिसमें आपको जियो सिम चलानी है, डुबल वोल्टी के साथ में आपको फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन मैं अभी साइड में इसको रख देता हूँ, दूसरा बॉक्स खोलता हूँ तो दूसरा बॉक्स में भी कुछ इस तरीके का फ़ोन आपको निकल जाता है। तो गाइस ये दो फ़ोन है, दोनों के मैंने पैकिंग कुछ इस तरीके से हटा दिया है और आपको यहाँ मिलेगा क्या क्या ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैटरी मिलने वाली है, जो बैटरी आपको मिल जाती है 1700 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जो कि इस पैकिंग में है। तो मैं आपको इसको भी एक बार दिखा दूँ, यहाँ से देख सकते हो 1700 mAh की आपको बैटरी मिलती है। इसको अभी साइड में रखते हैं, मोबाइल में लगा के भी दिखाने वाला हूँ। तो आपको आप और दिखाते हैं, इसमें आपको एक केबल मिल जाती है, LG 3500 की केबल है और यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक के साथ में जो हैंड फ्री लगती है वो आपको इसमें नहीं मिली है। अडाप्टर आपको साथ में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं USB अडाप्टर आपके साथ में मिल जाता है और यहाँ पे एक बुकलेट भी साथ में मिल जाती है। इसके अंदर और कोई सामान नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको जो सामान था इसके अंदर वो मैंने सारा आपको दिखा दिया, इसी तरीके से इसमें भी आपको वही सामान मिलेगा। तो आपको डबल वार नहीं दिखाएंगे, तो दोनों फ़ोनों को मैंने इस तरीके से आपको दिखा। अब मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आपको फ़ोन देखना है तो फ़ोन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ़ोन का जो लुक वाइज है, पहले आपको फ्रंट में दिखाता हूँ, आपको 4.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं कि अगर ये छोटा मोबाइल है तो सस्ता भी बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको फुल एंड्रॉयड मिलेगा, डुअल वोल्टी फ़ोन मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स हैं जो चलाने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका रेट बताता हूँ और आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, फ्रंट और बैक में आपको कैमरा मिलता है जिससे आपको वीडियो कॉलिंग करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है, माइक्रोमैक्स और जियो ने इसको मिलके बनाया शायद, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है और माइक्रोमैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो स्टिकर भी लगा हुआ, माइक्रोमैक्स और जियो डिजिटल लाइफ, ठीक। तो इन दोनों ने इसको मिलके बनाया हुआ। तो आपको जब तक जियो सिम नहीं डालोगे तब तक ये फ़ोन नहीं चलेगा गाइस, ये चीज़ आपको फाइट कर लेनी है कि आपको जब तक जियो सिम नहीं डालोगे ये फ़ोन आपको नहीं चलेगा। तो गाइस मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाता है और एक फ्लैश लाइट भी साथ में मिल जाती है। कैमरा स्पीकर आपको नीचे मिल जाता है और अगर मैं नीचे से बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो LG 3500 का आपको चार्जिंग जैक भी इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको साथ में मिल जाता है। यहाँ पे LED टॉर्च के साथ फ्लैश लाइट आपको मिलती है, इसमें आपको LED टॉर्च वगैरह भी जला सकते हो, फ्लैश लाइट भी आप कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग करना है तो आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितनी भी आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है वो सारी आप चला सकते हैं। फ़ोन का जो लुक वाइज के अगर देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फ़ोनों का जो ये साइज़ है वो 4.5 इंच का आपको मिल जाता है यहाँ से, और इधर से आपको देख सकते हैं दोनों फ़ोन कुछ बिल्कुल न्यू कंडीशन फ़ोन और आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। और आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे ये बताता हूँ और बैटरी डाल के आपको दिखाता हूँ, अंदर से आपको फंक्शन सारे दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका बैक कवर मैंने हटा दिया, यहाँ पे मॉडल नंबर बता दूँ, माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, Q402+ इसका मॉडल नंबर है, 2 MI नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ बैटरी हम डाल सकते हैं, ठीक है। 2 SIM के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी अलग से डाल सकते हैं, 2 स्लॉट दिए, एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट अलग से दिया, ठीक है। तो अब मैं बैटरी डालता हूँ जो कि 1700 mAh की आपको बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। तो बैटरी डाल के आपको ये दिखाते हैं कि इसमें जियो सिम पहले डालनी होगी, दूसरा आप कोई और सिम भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी गाइस इसको ऑन कर रहा हूँ, अभी ये ऑन हो नहीं रहा है, इसका मतलब है बैटरी डाउन है, मैं दूसरी बैटरी लगाता हूँ।
तो अभी मैंने दूसरी बैटरी इसमें लगा दी, ये वाली हटा दिया है, दोनों बैटरी मैंने खोल दी थी, ये वाली बैटरी अभी चार्ज नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये बैटरी लगा दी, अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ और अंदर से आपको सारे फीचर्स बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको इससे जब तक ये ऑन हो जाता है, जब तक मैं आपको इसके अंदर से फीचर्स बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो भारत 2 प्लस इसका मॉडल नंबर है और Q402 प्लस, भारत 2 Q402 प्लस इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर बड़े साइज़ का मोबाइल लेना है तो गाइस आपको मैं ये भी दिखाने वाला हूँ। ये मोबाइल एक बार मैं खोल के दिखा दूँ आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मोबाइल बहुत ही बड़ा है, आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले में मिल जाता है और ये बहुत ही स्लिम वाइज में मोबाइल है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जो आपको पीछे है, आपको फ्लैश लाइट, LED टॉर्च वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑडियो जैक वगैरह, LG 3500 का चार्जर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और डिस्प्ले साइज़ आपको बड़ा मिल जाता है। इसके बारे में बताते हैं अभी आपको इसको कैसे लेना है, ये भी बहुत ही सस्ता मोबाइल मिलेगा। इससे पहले मैं आपको कुछ फ़ीचर्स हैं इसके वो बता दूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा। तो आपको इस वाले में बता देता हूँ फीचर्स के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुबल कैमरा मिल जाता है, 1 GB आपको इसमें रैम मिल जाती है और 8 GB का इंटरनल मेमोरी कार्ड मिल जाता है, 1700 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, क्वाड कोर आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 4.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 5 MP का आपका इसमें कैमरा मिल जाता है, बैक वाला कैमरा विथ फ्लैश के साथ में और फ्रंट वाला कैमरा आपको 2 MP का मिल जाता है। और रैम मैंने आपको बता दिया है 1 GB और 8 GB है और वोल्टी फ़ोन आपको दोनों मिल जाता है जिससे आपको जियो सिम चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, ठीक है। ब्लूटूथ आपको मिल जाता है, GPRS सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड सारे सिस्टम मिल जाते हैं, GPRS से 1700 mAh की बैटरी है, Q402 प्लस इसका मॉडल नंबर आपको मिल जाता है। और अगर मैं MRP की बात करूँ तो यहाँ से आपको MRP दिखा सकता हूँ, 4499 रुपये इसकी MRP है, लेकिन ये लॉन्चिंग के टाइम पे 1800 रुपये का मोबाइल था, यहाँ पे आप 4499 रुपये MRP देख सकते हैं और ये जो लॉन्चिंग जब हुआ था तब ये 1800 रुपये का मोबाइल हुआ था गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ़ोन था, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना, अब उसको सस्ता कैसे लेना है ये भी बताऊँगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं डिवाइस लॉक, प्लीज़ इंटर योर वैलिड जियो सिम, प्लीज़ अनलॉक डिवाइस, तो यानी कि आप इसको जियो सिम डालोगे चालू वाली तो आपको ये फ़ोन खुल जाएगा और अदरवाइज आपको वाईफाई से यहाँ पे खोलने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस फ़ोन के लिए आप कैसे आपको लेना होगा ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि ये अगर फ़ोन देखो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 GB रैम में मिल जाता है, ये फ़ोन में आपको 3 GB रैम मिल जाती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 GB रैम है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, कैनवास एक्सप्रेस 4G मोबाइल है गाइस ये वाला, और इसमें आपको देखो यहाँ से बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, 3 GB और 16 GB आपको रोम मिल जाती है और क्वाड कोर आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, 8 MP का आपको इसमें कैमरा भी मिल जाता है, 2 MP का आपको कैमरा मिल जाता है और इसमें गाइस आपको 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। जो इस फ़ोन के अंदर गाइस सामान भी बहुत सारा आपको देखो मिल जाए, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया और यहाँ से आपको हैंड फ्री हो गया और केबल हो गया, 3.5 mm का ऑडियो जैक के साथ में बहुत सारा इसमें सामान आपको मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन आपको कैसे मिलेगा ये बता देता हूँ। ये फ़ोन क्या होता है गाइस, जैसे 4G फ़ोन होता है, अगर जैसे आप 4G फ़ोन ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा है तो गाइस क्या होता है पुराने फ़ोन हो जाते हैं बहुत सारे, तो आपको क्या है जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कोई मॉडल पुराना हो तो आप दे सकते हैं। तो गाइस जैसे ये वाला मोबाइल था कम से कम 5000 रुपये का था, लेकिन ये 2000 रुपये का मिला, क्यों कि ये पुराना हो चुका है, पुराने की वजह से, और 4G वोल्टी फ़ोन चाहिए और पुराना हो जाए तो 2000 तक का आराम से इजीली मिल जाता है, क्योंकि मॉडल निकालना, मॉडल जैसे बिकता नहीं है तो निकल जाता है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ़ोन था, लेकिन ये वाला फ़ोन गाइस 1700 की लॉन्चिंग थी इसकी 1800 रुपये की, लेकिन अभी इसमें MRP देखो 4499 रुपये यहाँ पर लिखी हुई है। तो गाइस ये फ़ोन सस्ता ही मिलता है और अभी भी ये मोबाइल जो MRP इसमें लिखी है वो ज़्यादा है और मोबाइल सस्ता ही मिलता है गाइस, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2000 रुपये का मोबाइल इजीली मिल जाएगा ये वाला मॉडल का। तो गाइस अगर जानकारी अच्छी लगा करें ना तो चैनल को सब्सक्राइब करा करो। और ये मोबाइल मिलेगा कैसे, ऑफलाइन मिलेगा गाइस, अब ऑनलाइन तो मिलेगा नहीं गाइस, ठीक, क्योंकि ये मोबाइल हो सकता है बंद हो गया हो, लेकिन मेरे को ये मोबाइल दिखा तो मैंने इस वजह से वीडियो बना दिया, ठीक है। अगर आपको मिल जाए ऑफलाइन तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो फिर कोई और मोबाइल आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये वाला कैनवास एक्सप्रेस 4G मैंने ढूंढा, ऐसे आप भी अपने ऑफलाइन किसी भी शॉप पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि और पुराने मोबाइल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ही मिले, दूसरा भी मोबाइल मिल सकता है गाइस, ठीक है। और गाइस अगर जानकारी अच्छी लगा करें ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक करा करो।